सकूं आपको, ह्यूमन राइट्स कमीशन में जा सके, वो केसेस वो पत्रकार। तो शायद जब हम ये कहते हैं कि मीडिया बिक गया है या मीडिया खत्म हो गया है, हमें नहीं भूलना चाहिए उन पत्रकारों के बारे में, वो छोटे छोटे लोग जिनके जिनके चेहरे नहीं है, दे आर फेसलेस पीपल, दे आर नेमलेस पीपल, नोबडी नोज देम, नोबडी नोज देम, और उनके पास बहुत सारे रीजंस हैं। वो चाहे तो लालच में आ सकते थे, चाहे वो डर सकते थे, लेकिन वो सब कुछ करने के बावजूद वो डटे हुए हैं। दे आर इन द फर्स्ट पीपल इन द लाइन ऑफ फायर। सबसे पहले जो दिल्ली में बैठे हुए हमारे एडिटर्स हैं, उनको कोई खतरा नहीं है, खतरा उन लोगों को है जो इस तरह के डिस्टर्ब एरिया से रिपोर्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक इफ वी हैव टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, वी हैव टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई विल से इन द सेम ब्रेथ, एंड when we talk about nationalism, I think these both are interconnected. And we have to build a society which does not fear dissent. So dissent, freedom of speech, and then tolerance. When I say human rights, I'm also talking about tolerance. That how I have to tolerate, I have to be tolerant of your different food habits. I have to be tolerant about your different identity, the way you are. I have to be tolerant that, you know, you may be different from me, but still you have maybe stand an equal chance of getting the equal things. Or shayad isi sab se milke jo hai wo good governance ka concept hi banta hai. Inhi sari terminology se milke yehi good governance hai. Good governance ka naam sirf itna hi nahi hai ki law and order maintain rahe, ek sohi koi society bane. Chota sa example aapko Iraq ka dena chahungi. Abhi ek mahine pehle wahan se lauti hu. Hairan mujhe yahi ki wahan logon ne sochna band kar diya. मैं बहुत हैरान हो रही थी, परेशान हो रही थी वहां देख करके, वहां औरतों को कितने अजीब लबादे में उन्होंने बिल्कुल डाल दिया है। सदाम हुसैन वाला सेक्युलर इराक नहीं है, सदाम हुसैन तानाशाह रहे होंगे, लेकिन वो एक सेक्युलर इंसान थे, इसमें किसी को शक नहीं है। ही डिडंट वांट रिलीजन टू डोमिनेट इराकी नेशनल लाइफ, बट नाउ रिलीजन इज बैक इन इराक, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी इज रिपोर्टिंग अबाउट दैट, एंड वुमेन आर द फर्स्ट विक्टिम ऑफ रिलीजन। नाउ दीज रिलीजियस श्राइन्स आर कंट्रोलिंग द एंटायर इराकी सोसाइटी and Iraqi politics. So when I'm asking these uncomfortable questions to them, they are looking at me in a very weird manner and thinking, what's wrong with this woman? Why is she asking such a type of a question? So if we are not conscious enough today, if we are not alert enough today, in no time maybe, we will also stop thinking critically. Hum bhi sochna band kar denge, kyunki सब फासिस्ट को, सारे वो लोग जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो लोग जिनका आइडिया ऑफ इंडिया डिफरेंट है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम ना सोचें। हम सोचेंगे तो सवाल पूछेंगे, सवाल पूछेंगे तो जवाब मांगा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा तो